हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास टेंथ का उड़ान बैच। उड़ान बैच में हम सबसे पहले जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है सेकंड नंबर चैप्टर, जिसका नाम है पॉलीनोमियल्स। पहला वाला चैप्टर हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर्स को कवर करेंगे, इसके बाद में हम लोग अब पहले चैप्टर्स को और अदर चैप्टर्स को देखने वाले हैं। तो इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आज का लेक्चर केवल इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में एक आइडिया हो जाए कि चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये वाला चैप्टर केवल चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसका एक ओवरव्यू होने वाला है और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर आप लोगों के लिए पर डे या फिर एक से दो दिन के अंदर एक लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स, मतलब उस लेक्चर में हम लोग कितने टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं उसके हिसाब से एक से लेकर डेढ़ घंटे तक के बीच में या उससे छोटा भी कोई लेक्चर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले चैप्टर का नाम देख लेते हैं। जो चैप्टर का नाम है वो हमारा पॉलीनोमियल्स। तो सबसे पहले पॉलीनोमियल्स से रिलेटेड हम बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ क्लास में पढ़ी होगी। वहाँ पे आप लोगों ने जैसे सिक्स सेवन्थ एट्थ में एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम से चैप्टर पढ़ा होगा, नाइन्थ में तो पॉलीनोमियल्स नाम से ही सेकेंड चैप्टर भी था, ठीक है, तो वहाँ पढ़ा होगा। तो अगर आप लोगों ने नाइन्थ अच्छे से नहीं पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे नाइन्थ से ही आप लोगों को करना स्टार्ट करूँगा। बेसिक्स पहले नाइन्थ लेवल के जाके पढ़ाऊँगा, उसके बाद में हम टेंथ लेवल पे जाके स्टार्ट करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि शुरू के दो तीन लेक्चर्स तो आप लोगों का नाइन्थ का बेस क्लियर करने में होगा, हमारे बेस क्लियर करने से रिलेटेड होगा। उसके बाद में हम लोग हमारा टेंथ लेवल पे जाके चीज़ें सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर वन, उस लेक्चर में हम बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, जैसे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये पता होगा, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैं रिवाइज करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए, कि आप लोग बार बार चीज़ें मैं ये यूज करूंगा बीच में तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो कि ये क्या यूज कर लिया। इसलिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स भी दो टाइप के होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, इसके साथ ही फैक्टर्स एंड कोफिशंट्स क्या होते हैं, इनके ऊपर भी एक एक नंबर में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बोर्ड ने जैसे CBSE या फिर RBSE बोर्ड ने एक एक नंबर में कई बार पूछा भी है, तो उसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही उसी लेक्चर में हम लोगों का जो टॉपिक होगा, जो मेन हमारा चैप्टर है पॉलीनोमियल, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके साथ ही इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारा लेक्चर वन खत्म हो जाएगा। हमारा टारगेट ये है कि इस चैप्टर को हम लोग 8 से 10 या फिर 12 लेक्चर्स के अंदर विद क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NTSC लेवल के क्वेश्चंस, NCERT के सॉल्यूशंस के साथ में फिनिश कर दें। फिर हमारा जो सेकंड चैप्टर होने वाला है जो होगा डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स, जिसमें हम पॉलीनोमियल की डिग्री का क्या मतलब होता है, इसके साथ ही टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, डिफरेंट टाइप्स से कैसे पॉलीनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं, मतलब कि एक तो होता है जैसे कि डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स के पॉलीनोमियल हो सकते हैं, एक हम पढ़ेंगे टर्म्स के बेसिस पे कितने हो सकते हैं, एक हम पढ़ेंगे वेरिएबल के बेसिस पे कितने हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लेक्चर में, तो उस टाइम पे हम लोग अच्छे से कवर अप कर लेंगे। तो इसके साथ ही दो तीन क्वेश्चन जो भी बनते हैं यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन है, यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं वही हम कवर अप करने वाले हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर टू खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल, जो कि हमारे इस चैप्टर का बेसिक है, यहीं से हम लोगों को आगे पढ़ना है, क्योंकि जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल समझ में का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो लीनियर पॉलीनोमियल के जीरोज नहीं निकालने आएंगे, क्योंकि हमारे नेक्स्ट टॉपिक ये होने वाले क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज का क्या मतलब होगा वो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे उनके जीरोज का बेसिक मतलब समझेंगे, उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 8-10 क्वेश्चंस यहाँ पे जो भी पॉसिबल होने वाले हैं वो हम सोल्व करने वाले हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर थ्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो लेक्चर नंबर फोर है जो होने वाला है जीरो ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल, एक्चुअल में जीरो ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के नाइन्थ क्लास में दी हुई है। टेंथ क्लास में मैं केवल इसलिए करवा रहा हूँ कि एक आइडिया लग जाए कि भाई हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पढ़ेंगे, तो क्वाड्रेटिक से पहले हमारे को लीनियर पॉलीनोमियल के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों के दो तीन महीने का जो गेप आया है नाइन्थ और टेंथ के बीच में,
ठीक है, उसके बीच में सारी चीज़ें भूल चुके हों, या फिर नाइन्थ में उस तरीके से आप लोगों ने नहीं पढ़ी क्योंकि बोर्ड का इतना प्रेशर नहीं रहता है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को नाइन्थ पूरी कवर अप करवाऊँ और ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, कि ऐसे नहीं कि नाइन्थ और टेंथ दोनों का इतना ज़्यादा बर्डन आप लोगों के ऊपर आ जाएगा। केवल बेसिक्स को हम सीखेंगे, एक दो क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम सोल्व करेंगे। एक्चुअल में आपके टेंथ की बुक में भी दिए हुए हैं, लेकिन वो जो स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन के नाम से थ्योरी गिवन होती है वहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई होती है। तो इसी के साथ हमारा, इसके साथ में लेक्चर नंबर 4 में हम लोग एक टॉपिक और कवर करेंगे कि जो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, इसका क्या मतलब होता है, ये हम लोग लेक्चर नंबर 4 में अच्छे से डिस्कस करने वाले। इसके साथ ही जो लेक्चर नंबर 5 हमारे होने वाला है वो है ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी के लेवल से बोर्ड में भी कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग देखेंगे किस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के एनटीएससी के लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। ये पूरा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जो आई थिंक हो सकता है कि आप लोगों का सबसे बड़ा लेक्चर भी हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखने हैं, ग्राफ्स बनाना सीखना है, इसके साथ ही ग्राफ्स को फिर ग्राफ्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व करना सीखना। इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 4 खत्म हो जाएगा। लेक्चर नंबर 5 हमारा जो स्टार्ट होगा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर जब स्टार्ट होता है, यह हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 5 है, वो है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्चुअल में इस चैप्टर से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं वो क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड ही आने वाले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या होता है, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने के दो मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने वाले हैं, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसमें एक फॉर्मूला गिवन है, उस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जीरोज फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 15-20 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, तो आप लोगों को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अगर क्वेश्चंस का पैटर्न बदल दिया जाए, तो जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे हम सोल्व कर लेंगे, तो पैटर्न बदलेगा कहां से, आउट ऑफ सिलेबस तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 5 खत्म हो जाएगा। फिर लेक्चर नंबर 5 के बाद में हम लोगों का जो लेक्चर 6 होगा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स के बाद बीच में रिलेशन पढ़ा था, वैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस जो मेजर क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, जो PYQ आए हुए हैं पहले के एग्जाम्स के अंदर, वो हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को कवर अप करने हैं। उसके बाद में हम लोग लेक्चर नंबर 7 में कौन कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं वो देखते हैं। लेक्चर नंबर 7 हमारा ओनली क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, हम लोग जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा होगा, जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² क्या होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक क्या होगा हमारा, सम यूजफुल रिलेशंस इन्वॉल्विंग जीरोज, जिसमें जीरोज से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हमारे को करनी पड़ेगी। एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, वो जीरोज जो हम लोग निकालेंगे उनके ऊपर, जिसको जीरोज को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा वगैरह बोल के चलते हैं, इनका नाम हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर नंबर 7 में करने वाले हैं, जिसमें केवल क्वेश्चंस करेंगे, 15-20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे हुए हैं वो भी हम लोग आप लोगों को सोल्व करने के लिए इसके अंदर दें, जिससे क्या होगा, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में पेपर में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक होगा, जैसे हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए क्या किया था, रिलेशंस पढ़े थे जीरो और कोफिशिएंट्स के लिए, साथ ही हमने क्या पढ़ा, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए क्या पढ़ा, रिलेशंस पढ़े किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। सिमिलरली उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, उनके लिए क्या होगा रिलेशन, तो वो पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, जिसमें 5-7 क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे। इसके साथ ही हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर आएगा, जिससे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और इसमें 3 या 5 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, वो है डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर हम लोग 10-12 क्वेश्चन जो PYQ होंगे और जो अच्छे क्वेश्चन आप लोगों की बुक किससे रिलेटेड है, जिसमें RD शर्मा हो गई या फिर आप लोगों की NCERT हो गई, उससे हम सोल्व करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। इसके साथ ही हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा
कॉन्सेप्ट वीडियो से रिलेटेड जो लास्ट लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 10 होगा, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस देखे हैं उसके अंदर कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से आप लोगों को सोल्व करने पड़ेंगे। तो उसका एक बेसिक आइडिया मैं दूंगा आप लोगों को कि उसका मीनिंग समझा दिया, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसके ऊपर दो तीन क्वेश्चंस करवा दिए और दो तीन आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चंस के रूप में दे दिए, जो आप खुद सोल्व करके देखना कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो वो हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। इसी के साथ हमारी जो कॉन्सेप्ट वीडियोज है वो सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर नंबर 11 होगा जिसमें हम 20 से 25 आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, जिसके अंदर कौन कौन से जगह से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, NTSC से के रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम सोल्व करेंगे, CBSE बोर्ड से रिलेटेड जो भी होगा, RBSE राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, या अदर कोई स्टेट बोर्ड होगा उसमें भी अगर ये वाला टॉपिक्स है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 11 में सोल्व करवाने की कोशिश करें। इसके साथ ही लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम लोग अभ्यास करने वाले हैं, यानी कि जितना भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस में क्या होगा, आप लोगों के लिए पहले क्वेश्चन डिस्प्ले किया जाएगा, इसके बाद में आप लोगों को एक या दो मिनट का पोज करके टाइम ले सकते हो, उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद में आप लोगों को मैं सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसको हम दो पार्ट्स में वो करेंगे, जिसमें हम टोटल 50 से 60 क्वेश्चंस को कवरअप करेंगे, जिसमें दोनों पार्ट्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि 25 से 30 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेवल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो बोर्ड अक्सर उस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, तो वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ फिर हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। कोशिश करते हैं कि ये वाला लेक्चर हमारा 10 से 12 डेज में खत्म हो जाए, उसके बाद में हम आगे के थर्ड और फोर्थ लेक्चर को करने के बाद में पहला लेक्चर सोल्व करेंगे। तो मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो अभी मैंने आप लोगों को ओवरव्यू बताया है चैप्टर का, वो आप जो भी आप मैथ की कॉपी बनाने वाले हो, ठीक है, उसके अंदर क्या करो, पहले फ्रंट पेज पे लिख लो चैप्टर नंबर 2 डाल के, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया रहेगा कि हमारे को कौन कौन से टॉपिक एक्चुअल में इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। क्योंकि जब भी जैसे मान लो आप लोगों ने पूरा इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद में जैसे फाइनल टाइम में जब एग्जाम के टाइम पे जाना है तो आप लोगों को पूरे डिटेलिंग में नहीं जाना। जैसे कि आप लोगों ने फ्रंट पेज पे एक टॉपिक का नाम देखा कि भाई हमारे को क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है, कॉन्स्टेंट है, तो उस डेफिनेशन को क्या करो, माइंड में रिकॉल करो। अगर माइंड में रिकॉल आप कर पा रहे हो उसका मतलब है आप लोगों को पूरा चैप्टर आता है। तो आप लोगों ने फ्रंट पेज पे एक 5-10 मिनट के अंदर क्या किया, सारे टॉपिक्स को रिकॉल कर लिया। तो आप लोगों को पेज पलटने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां क्या होगा, तो फाइनल एग्जाम आप लोगों को देना है, उससे पहले आप लोगों के पास में 15 चैप्टर्स होंगे, 15 चैप्टर्स के एक एक पेज को पढ़ने बैठ गए तो आप लोग पूरा रिवाइज ही नहीं कर पाओगे लास्ट टाइम पे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करो, फ्रंट पेज पे सारे टॉपिक्स को लिख लो और फिर टिक लगाते रहोगे, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप लोगों को डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे स्टार मार्किंग कर सकते हो, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा हो जो आप लोगों को टफ लगता है तो उसको डबल स्टार मार्किंग कर सकते हो, कि जब भी कभी प्रैक्टिस करनी होगी या रिवाइज करना होगा तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को जिसमें हमने 1 स्टार या 2 स्टार दिया है उसको क्या कर सकते हो आप, वहाँ जाके जहाँ भी आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट समझ रखा है, ठीक है, लिख रखा है, उस पे जाके आप लोग उसके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, यानी उसके ऊपर मेजर फोकस उसी पे करना है, ठीक है। जो बेसिक टॉपिक्स है उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हो, जिससे आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप लोग क्या कर सकते हो, बड़े पूरे सिलेबस का एक शॉर्ट टाइम में रिविजन कर पाओगे। इसके साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करो, आप लोगों को यहाँ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जो कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, उसके अंदर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों को पिन कमेंट में भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए वो लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाए, लेकिन इससे वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन मेरी आप लोगों से एक पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग कोशिश करना कि आप खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ, वीडियो को पोज कर लेना जो भी कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद में खुद के नोट्स बनाओ जो आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। इसके साथ ही आपको रिटर्न प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को जो बोर्ड का पेपर देना है वो तो रिटर्न पेपर ही होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर तो CBSE ने 2 टर्म में एग्जाम लिए थे, तो टर्म 1 के अंदर क्या था, MCQ बेस्ड पेपर आया था, और टर्म 2 के अंदर थ्योरी पेपर आया था। तो अब तो CBSE ने वो वाला प्रोविजन भी खत्म कर दिया, तो अब केवल एक ही बार पेपर होगा और वो क्या होगा, थ्योरी पेपर होगा, और स्टेट बोर्ड वगैरह में तो वैसे भी थ्योरी पेपर होता है। तो यहाँ पे हम कोशिश ये भी करेंगे कि MCQ क्वेश्चंस भी आप लोगों को सोल्व करवाए जाए। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।